मुस्कान, वेलकम टू लहरी। थैंक यू। सो आज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? काफ़ी दिनों से लोग वैसे आपको ढूंढ रहे थे, बट आज आप यहाँ पे मिले हो। यहाँ कर क्या रहे हो आप? एक्चुअली मैं यहाँ पे जजिंग कर रही हूँ। यहाँ जो 15 कंटेस्टेंट्स हैं, जो वुमेन हैं, मैरिड वुमेन हैं, उनको मैं जज करने आई हूँ। एक पेजेंट है जो कि ब्यूटी पेजेंट है, एंड उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है एंड यहाँ पर वो आए हैं इतने स्टेजेस क्रॉस करके, तो फाइनली एक विनर ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, लड़कियाँ जो होती हैं, दे थॉट कि यार अब शादी हो गई तो एक कुछ नहीं करना है, जस्ट हस्बैंड है, घर है एंड बच्चे हैं। आपका क्या थॉट है और वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी ये थॉट होती है? आई थिंक एक लड़की होने का मतलब ही अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और लड़की है तो अगर उसकी शादी हो गई या बच्चे हो गए उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है। तो जो लड़कियां होती हैं उनको कभी अपने ड्रीम्स देखना छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे से उनकी शादी हो जाए या उनकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँ, उनको हमेशा अपना ड्रीम फुलफ़िल करना चाहिए। फॉर मी आई वुड से कि मैं तो सिर्फ अपने करियर पे फोकस, हमेशा से अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, और चाहे से शादी हो जाए चाहे बच्चे हो जाए, योर करियर शुड बी इन योर प्रायोरिटीज़ लिस्ट एंड योर करियर शुड बी देयर फॉर यू, बिकॉज करियर है तभी आप अपने आप का स्टैंड ले सकते हो, तभी आप किसी और को मोटिवेट कर सकते हो या फिर अपने बच्चों को एक सीख दे सकते हो कि आगे क्या करना है लाइफ में। अगर बच्चों को सिखाना है तो खुद भी तो सीख से गुजरना पड़ेगा ना। अच्छा, नचबलिए में आप नहीं नज़र आ रही हैं, रीज़न सबको पता है, बट क्या आप नचबलिए अभी भी फॉलो कर रहे हो मुस्कान? हाँ, मैं कई एपिसोड्स फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और उनके साथ रही हूँ तो एक फैमिली टाइप उनके साथ फीलिंग आता है, तो ऑब्वियसली मैं फॉलो करती हूँ। कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है? बहुत सारे ही फेवरेट हैं यार, सारे इतने अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे और सभी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आई थिंक सभी बहुत अच्छा दे रहे हैं, सभी मेरे फेवरेट हैं। पहला ये शो है जहाँ पे कंटेस्टेंट को हमेशा जजेस सुनाते थे, बट कंटेस्टेंट जजेस को भी सुना देते हैं। नहीं, जजेस को कंटेस्टेंट्स नहीं सुना रहे हैं और जजेस को कोई कंटेस्टेंट सुना भी नहीं सकता, क्योंकि एक जजेस एक कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके पास एक अथॉरिटी है और उनका बहुत हार्डवर्क के बाद वो वहाँ पर बैठे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई कंटेस्टेंट उनको कभी उल्टा कुछ बोलेगा अभी, एंड ना ही बोलना चाहिए। जिस तरह से उर्वशी घर के जिस तरह से वापस गई एज अ वाइल्ड कार्ड, और रवीना के साथ जिस तरह से उनका वन ऑन वन हुआ, वो थोड़ा लगा कि नहीं इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई। सबके ओपिनियंस अलग अलग रहते हैं, उनका कुछ पर्सनल इशू रहा होगा या उनको कुछ पर्सनली फील हुआ होगा, तो वो उनका ओपिनियन है, बाकी वो भी कभी अगेंस्ट नहीं जाएंगे जजेस के, उनको पर्सनली कुछ फील हुआ होगा इसलिए उन्होंने बोला होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मधुरिमा की एंड विशाल की, पहले जब वो थे कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, बट एज अ वाइल्ड कार्ड जब से आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा लवी डबी हो गए हैं, क्या कहना चाहोगे? मतलब टू वीक्स में इतने ज़्यादा चेंजेस? आई थिंक उन्होंने सीख ली, क्योंकि मैंने देखा था जब उन लोगों का लड़ाई हुआ था स्टेज पर, उसी दिन वो लोग एलिमिनेट हो गए थे, तो मे बी उसी चीज़ से उन्होंने सीख लेके सोचा होगा कि अब हम एज ए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और ऑब्वियसली एक कंपटीशन में आप आए हो तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन योर फाइट्स, तो मे बी उससे उन्होंने सीख लेके उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया होगा। अच्छा, क्या लगता है ट्रॉफी किनके हाथ में जानी चाहिए, कौन ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं। ऐसे अलीना भी है, अलीना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशाल मधुरिमा बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रिविका है जिनको ऑब्वियसली हमारे कोरियोग्राफर अब कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो प्रिविका भी जीत सकते हैं, अनीता दी भी हैं, अनीता दी और रोहित भी आए। अनीता दी नहीं, उनका एनिवर्सरी था इसलिए उनके लिए सरप्राइज था, मुझे पता है वो लोग एलिमिनेट ऐसे हो ही नहीं सकते। राइट, तो बॉस फॉलो करती हैं? नहीं, मैं बिग बॉस नहीं कर पा रही हूँ अभी, मैं करती थी बट अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। कभी इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिला जाने का, क्या आप जाओगे? आई डोंट नो, आई हैवंट थॉट ऑफ इट येट, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा, अगर आएगा ऑफर तो देखा जाएगा। अच्छा मुस्कान, आप बहुत ज़्यादा मेंटेन लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है, सो अपने आप को आप किस तरह से मेंटेन करती हैं? क्योंकि लड़कियों का होता है अगर आप बिजी हैं तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कैसे? आप योगा करो और पानी बहुत सारा पियो, मेरे मेन दो ही ऑप्शन रहते हैं, अगर मैं मुझे जिम करने का या डांस करने का
या कुछ और एक्टिविटीज़ करने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं योगा कर लेती हूँ और मैं पानी बहुत पीती हूँ. मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ. अच्छा, काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं बट ना घर का सपोर्ट मिलता है या तो फिर अपना खुद का मोटिवेशन नहीं होता है, तो वैसे लोगों को या ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना बोलना चाहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. आप कितना ही चाहो, आप कितना ही ड्रीम कर लो, लेकिन आपका फैमिली जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आप आई डोंट थिंक सो एक स्टेप भी बाहर रख पाओगे. आप घर के बाहर निकल के देखो बिना फैमिली के सपोर्ट के, आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए, जो फैमिली चाहती है उसके लिए आप अच्छा करो, फैमिली के लिए करो, सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके करियर वाइज सेट हो जाएंगी. एंड अगर आपको खुद से ही मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो आई डोंट थिंक सो दैट आपकी वो ड्रीम है. अगर आपकी वो ड्रीम होगी तो डेफिनेटली आप उसके लिए कुछ भी करोगे, अपने पेरेंट्स को भी मनाओगे. इट्स जस्ट दैट के यू हैव टू बी विद योर पेरेंट्स. एंड ऑल्सो फॉर पेरेंट्स आई वुड लाइक टू से कि टू एम्पावर अ वुमन, एम्पावर अ वुमन, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अ फैमिली टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ एम्पावरमेंट. अगर एक फैमिली ही एम्पावर करेगी एक लड़की को, तभी लड़की बाहर जाके सोसाइटी में एम्पावर हो पाएगी. सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फैमिली टू चेंज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम एम्पावरिंग टू एम्पावरमेंट.